नमस्कार बागन भाइयों। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका, लगभग आप देख सकते हो कि पतझड़ हो चुका है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में अपने हर एक ऑर्चर्ड में लगभग 10 किलो यूरिया की स्प्रे कर सकें। तो क्योंकि जब हमारे ऑर्चर्ड में, जो भी हमारे ऑर्चर्ड में जैसे पत्ते हैं, इनमें क्या है कि जैसे फंगस, बैक्टीरिया और कीड़े के अंडे इनमें रहते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट ईयर हमारे जितने भी ऑर्चर्ड हैं उनमें इसी से ही बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। तो अगर आप अपने हर एक ऑर्चर्ड में 10 किलो यूरिया की स्प्रे करते हैं तो उससे इन चीज़ों को लगभग ख़त्म किया जा सकता है, जैसे जो फंगस हमारे पत्ते में रहे हैं, बैक्टीरिया है, जो कीड़े के अंडे जो भी है। तो बाकी बागन भाइयों, मैंने काफ़ी बागन भाइयों को देखा हुआ है कि हम क्या करते हैं आजकल कि सारे पत्ते, जितने भी हमारे ऑर्चर्ड हैं उनमें सारे पत्तों को इकट्ठा करके उनको जलाते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो आप अपने ऑर्चर्ड में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ख़त्म कर रहे हैं, और सेकंड आप अपने जो भी आपका क्लाइमेट है उसको आप प्रदूषित कर रहे हो। तो बानो भाइयों, आपने ऐसा नहीं करना है कि आजकल अपने सारे पत्ते इकट्ठे करके जलाने हैं, तो उससे तो हमें नुकसान ही होगा। आपने देखा होगा कि कुछ सालों से ना ही टाइम पे स्नोफॉल हो रहा है, ना ही टाइम पे बारिश हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है ये, जो हम जो भी हम हैं ये हम गलतियां ना करें। तो बाकी बानो भाइयों, आपने आजकल कुछ नहीं करना है, पतझड़ जो भी हमारे बानो भाई है, तो आपने अपनी सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी काम है यही, जो भी आपके पतझड़ में पत्ते गिरे हुए हैं इनके ऊपर आप 10 किलो यूरिया की स्प्रे कीजिए, और जो भी आप जितना भी हो सके अपने ऑर्चर्ड में ऑर्गेनिक मटेरियल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि पत्ता पत्ते इकट्ठे किए और उसको आप जलाइए, उससे आप तो ऑर्गेनिक मटेरियल ख़त्म कर रहे हैं। तो आपने 10 किलो यूरिया की स्प्रे करनी है जिससे कि अपने ऑर्चर्ड में, जिससे कि जो भी पत्तों में फंगस है, बैक्टीरिया, उसको नेक्स्ट ईयर उससे बीमारी होने से उसको आप अपने ऑर्चर्ड में बचा सके। और सेकेंड क्या है कि आपके ऑर्चर्ड में इससे क्या है कि केंचुओं को खाने के लिए काफ़ी चीज़ें मिलेगी, और जिससे हमारी सॉइल में, मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, और जिस भी सॉइल में केंचुओं की संख्या बढ़ेगी तो उसमें वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। तो आप देख सकते हो कि कुछ सालों से लोगों के ऑर्चर्ड में केंचुओं की संख्या कम हो चुकी है। तो इसका मेन कारण वही है कि हम ऑर्गेनिक मटीरियल को, जैसे चाहे पत्ते हो चाहे गोबर हो, उनको जैसे पत्ते जलाना ऑर्गेनिक मटीरियल को हम अपने ऑर्चर्ड से ख़त्म कर रहे हैं। तो बानो भाइयों, जो तो आजकल आपने यही करना है कि 10 किलो यूरिया की स्प्रे अपने ऑर्चर्ड में करनी है, जिससे हमारे जो भी पत्ते हमारे ऑर्चर्ड में गिरे हुए हैं उसमें फंगस बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके, और सेकेंड हमारे ऑर्चर्ड में हम कोशिश ये करें कि ऑर्गेनिक मटेरियल को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और बाकी बानो भाइयों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों के तक प्रूनिंग की वीडियो पहुँचा सकूँ। तो अगली वीडियो हमारी होगी प्रूनिंग के ऊपर।